SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन लाइव। सिवान में करंट लगने से एक की मौत सड़क पर टूटकर झूल रहे तार की चपेट में आए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सिवान सराय ओपी थाना क्षेत्र के अतरसुआ गांव शनिवार की दोपहर सड़क पर टूटकर झूल रहे धारा प्रवाहित विद्युत तार के संपर्क में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान सराय ओपी थाना क्षेत्र के अतरसुआ गांव निवासी 50 वर्षीय चंद्रमा मांझी के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का कहना है कि अतरसुआ गांव में सड़क पर मकानों में यूज होने वाले सर्विस तार पहले से ही सड़क पर टूटकर झूल रहा था। पीड़ित शहर से अपने घर की तरफ आ रहा था, इसी दौरान धारा प्रवाहित तार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद काफी देर तक उसी में चिपका रहा। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से किसी तरह पीड़ित को उठाकर वहां से सिवान सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, जहां चिकित्सकों ने चंद्रमा मांझी को मृत घोषित कर दिया। इधर जैसे ही जानकारी मृतक के परिजनों को हुई, कोहराम मच गया। मृतक के परिजन सिवान सदर अस्पताल में दहाड़ मार कर रोने लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, सदर अस्पताल पहुंची पुलिस ने मृतक के शव अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक परिवार का इकलौता कमाऊं सदस्य था। घटना के बाद उनके परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।